आज की जो रेसिपी है उसे देखकर बिल्कुल भी मुंह नहीं बनेगा आपका, क्योंकि ये करेला आप बहुत मन से खाएंगे। आज का जो करेला है ना, उसमें कुछ खास बातें हैं। खास क्या हो सकती हैं? सबसे पहले इसमें प्याज नहीं है, लहसुन नहीं है, टमाटर नहीं है, अदरक नहीं है, हरी मिर्च नहीं है, मतलब बहुत कम मसालों से बनाया है। और उसके बाद जो खास बात है, इसे हमने स्टीम देकर बनाया है। तो ये देखिए, करेला बहुत ही लाजवाब है, खाए बिना रह नहीं पाओगे। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो अब सबसे पहले करेले को आप वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद करेले को ऊपर नीचे से कट मत कीजिए। ये खास ट्रिक है करेले को कड़वाहट से बचाने के लिए। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, करेले को छील लीजिए। ये छीला हुआ जो पार्ट है ना, वो भी हमें चाहिए। तो आप चाहे पिलर से करें या चाकू से करें, ये आपकी च्वाइस है। सारे करेलों को मैंने इस तरीके से छील दिया है, और जो ये उसका छिलका है उसे भी मैंने अलग कर दिया है। उसमें मैंने आधा चम्मच नमक डाल के मिक्स करके एक तरफ रख देती हूँ। और जो ये करेले हैं, अभी मैंने ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट किया है, अभी मैं बीच में कट करके देख रही हूँ कि इसके बीजे कैसे हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो अब इनके मैंने जब देखा कट करके, लाल बीजे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये जो बीज अगर अंदर ही रह जाएंगे तो हम इसकी फिलिंग प्रॉपर नहीं भर पाएंगे। लेकिन इस बीजे के बिना करेला तो करेला ही नहीं रहेगा। तो हमें इस बीजों को पूरा यूज़ करना है, लेकिन पूरा निकालने के बाद यूज़ करेंगे। सारे बीजों को आप स्पून की सहायता से निकाल लीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, सब चीज़ इसमें यूज़ करने वाली हूँ। आप यूं कट करके देखिए, ये बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब ये करेले के अंदर जाएंगे। बहुत मोटे अगर बीज हैं लाल वाले तो बस उनको मत डालिए। सारे मैंने बीजों को भी अलग कर दिया, इन्हें बारीक कट कर लेती हूँ। और ये जो करेले मैंने बिल्कुल खाली करके रखे हैं, उसमें नमक और हल्दी डालकर उसे मैं एक तरफ रख देती हूँ। नमक अंदर भी डालिए और बाहर भी डालिए। आधे घंटे के लिए करेले को भी एक तरफ रख लीजिए, और करेले का जो छिलका है उसे भी एक तरफ रख दीजिए। ये जो बीज है उसके, उसे मैंने फाइन चॉप कर लिया चॉपर से। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो छिलका था उसमें काफी सारा पानी आ गया है। अब हमें करना क्या होगा वो देख लीजिए। ये कड़वा पानी है बहुत ज्यादा, इसे हमें वॉश करना होगा। वॉश करने के बाद इसे स्क्वीज करना होगा। दोनों हाथों से आप इसे अच्छे से पूरा इसका पानी कड़वा निकाल लीजिए। अब आपको यही लगेगा, पानी निकाल दिया इसलिए इसके न्यूट्रिएंट्स गए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमने पूरा छिलका यूज़ किया है, बीज यूज़ किए, तो कुछ भी न्यूट्रिएंट्स ख़त्म नहीं हुआ। पानी जो कड़वा है, जो नहीं खाना चाहिए, वो तो हमने हटाना ही है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, इसमें मैं हींग वगैरह नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हींग मैं मसाले में डालूंगी। यहाँ पर मैं करेले के छिलके और उसके बीज को मैं पका रही हूँ। यहाँ मैंने 3 चम्मच करीब लिए भुने चने, आधा चम्मच लाल मिर्च लिए जो कुटी हुई है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, बहुत थोड़ा सा हींग पाउडर, और मैंने नमक लिया है बहुत कम, क्योंकि हमने करेले छिलके सभी में नमक डाल रखा है। बाकी मैंने 2 चम्मच लिया है सौंफ, जिसे मैंने कूटा हुआ है पहले से। सबको मैं एक साथ ग्राइंड कर ही रही हूँ। अब ये सारे मसाले मैंने कूट लिए, एक से कर दिए। अब आपको लगेगा इसमें खटाई तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी मौसम के अकॉर्डिंग एक कैरी ली है, उस कैरी को मैंने ग्रेट कर लिया है। वो मैंने ग्रेट की हुई कैरी इस छिलके में और बीजों के अंदर डाल दिया है, और उसके साथ मैं पका रही हूँ। इन मसाले भी डाल दिए हैं। अब एक बात, अगर आपके पास मौसम के अकॉर्डिंग कैरी नहीं हो, या कैरी आप लोग नहीं खाते हो, तो इसमें 1 से 1.5 चम्मच भर के आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत बढ़िया खटास आ जाएगी। और एक बात, करेले का जो मसाला है ना, उसमें जो सारे छिलके हमने डाले, सारे बीजें डाले, उसकी वजह से वो स्वादिष्ट बहुत बनेगा। अगर ये हम सब हटा देते हैं ना, इसके न्यूट्रिएंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो मसाले मसाले का ही स्वाद आता है। फिर हम प्याज भी नहीं डाल रहे, तो इसमें और कितने मसाले डाले जाएँ। इसलिए ये जो छिलका है, बीज है, उसे ज़रूर डालिए। अगर बीज लाल रंग के होते हैं तो उसे आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सारे मसाले इन छिलकों के साथ बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब मैंने डाल दिया इसमें हरा धनिया।
यहाँ मुझे मसाले के अकॉर्डिंग नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा नमक और डाल दिया है। अब बारी आती है उन करेलों की। करेलों को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद उन्हें थोड़ा स्क्वीज कर लेते हैं और इन करेलों को मैं स्टीम देने वाली हूँ। तो एक तरफ मैंने पानी रख दिया है गरम करने के लिए, उसके ऊपर मैं कोई छन्नी या जाली वाली प्लेट या आटा छानने वाली छन्नी, कुछ भी आप रख सकते हो, या इडली मेकर ले सकते हो जिसमें भी आप स्टीम दे पाएँ, कढ़ाई में भी कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अब ये मसाला भी ऑलमोस्ट ठंडा होने जा रहा है, अब हम इस मसाले को करेले के अंदर भरने वाले हैं। करेले में काफ़ी अच्छा अंदर गैप है क्योंकि हमने सारी चीज़ें निकाल दी थी, अब इसमें पूरा मसाला बहुत ही बढ़िया डल पाएगा। चम्मच से दबा दबा के सारा मसाला अंदर भर दीजिए और धागा बांधने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मसाला इतना अच्छे से पक चुका है तो वो निकलेगा नहीं। अब बारी आती है उस करेले की ऊपर नीचे वाला साइड जो होता है उसे कट करने का। अब करेला कड़वा नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर हमने फिलिंग भर दी है। जो पतीला हमने पानी का रखा था उसके ऊपर जाली रखी थी, ऑयल लगाकर हल्का सा मैंने सारे करेलों को उसके ऊपर वन बाय वन रख दिया है। इसे मैं कवर करके कम से कम 10 मिनट के लिए पहले स्टीम दूंगी, उसके बाद धीरे धीरे एक दो बार पलटाती रहूंगी जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। टूथपिक या फोक डालकर आप देखिए, अगर सॉफ्ट हो गया तभी करेले के लिए गैस बंद कर दीजिए। इसे पूरा सॉफ्ट होने में करीब करीब 18 से 20 मिनट लग गए। अब चाहे तो करेला परफेक्ट तैयार है, आप ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये लंबा टाइम रखना है, 2-3 दिन करेला इतनी मेहनत करी है, तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया। मैंने ये सारे करेले थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। एक साथ मन करे काफ़ी सारे बना लीजिए, 2-4 दिन आराम से आप फ्रिज में रखकर गरम गरम करके खा सकते हैं। ना प्याज है, ना लहसुन है, ना टमाटर है, चलेगा भी लंबा टाइम, टेस्टी बहुत है और इसके अंदर पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं क्योंकि हमने इसके छिलके बीज सारी चीज़ें यूज़ की हैं। अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप इसे कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये करेले का आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, आपका कमेंट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप बिल्कुल भी अब ऑयल नहीं चाहते तो बस इसे एयर फ्रायर में रख दीजिए, अवन में रख दीजिए, बेक हो जाएगा। नहीं तो 2 चम्मच ऑयल कढ़ाई में डालकर इस तरीके से आप स्टर फ्राई करेंगे ना, तो ऐसा लगेगा करेला बहुत ही परफेक्ट बना है। तो आप इसे बनाइए, एंजॉय कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। अब हाँ, इस करेले को मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ क्योंकि ये तो पता चलना चाहिए हमने स्टीम दिया ये सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ये देखिए कितना सुपर सॉफ्ट है, कोई हमने कुकर में इसकी सीटियां नहीं लगाई हैं पर फिर भी कितना सॉफ्ट है। अब आप कब इसे बना रहे हैं, क्योंकि आपने बोला था ये मुझे बना के दिखाओ, मैंने अपना वादा पूरा किया। अब आप बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे ज़रूर बताइए आपको एक करेले की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल पर अगर नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं।